गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्रिकेट रिलेटेड कई सारी अपडेट निकल के आ रही हैं आईपीएल फैंस के लिए, विराट के फैंस के लिए। वुमेन्स क्रिकेट से रिलेटेड भी एक अपडेट निकल के आई है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ वर्ल्ड कप होना है, तो इंडिया की जो वुमेन्स टीम है उसकी वर्ल्ड कप टीम की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और एसएस में जो आज इतना इंटरेस्टिंग मैच हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे बड़ा जो अपडेट निकल के आया वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में निकल के आया है, जो कि एक रूल होता है, अभी तक नहीं था, लेकिन अभी जो शेड्यूल टाइम के रिगार्डिंग रूल आया वो क्या है उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो पहला मेरा पॉइंट यही आज के अपडेट सेगमेंट में कि जो T20 इंटरनेशनल है, कोई टीम अपने ओवर 2 घंटे फिनिश करती थी, कोई सवा 2 घंटे लेती थी, कोई 2.5 घंटे लेती थी, तो ये काफी टाइम कॉस्टिंग हो जाता था एक्चुअली में। बहुत सारे लोगों को ऑफिस जाना होता था, बच्चों को स्कूल जाना होता था, तो उसको बंद करने के लिए आईसीसी ने क्या किया कि अब शेड्यूल टाइम रूल रख दिया है कि एक्चुअली में जो लास्ट ओवर है, जो 20th ओवर होता है इनिंग का, उसका एक शेड्यूल टाइम होगा पहले से। अगर उस टाइम से अगर कोई टीम लेट होती है, जैसे अगर कोई टीम 9 बजे 20वां ओवर स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर कोई टीम उस टाइम पे 17th ओवर ही कर रही है, तो उसके बाद जितने भी वो ओवर करेगी, लाइक 9 बजे के बाद जितनी भी बॉल्स करेगी, जितने भी ओवर करेगी, लाइक 3 ओवर करने हैं उसे 9 बजे के बाद, तो उस टाइम पर क्या होगा, सर्कल बाउंड्री जो होती है 30 यार्ड वाली, उसके अंदर उन्हें एक एक्स्ट्रा फिल्डर रखना पड़ेगा। एक्चुअली में जो सर्कल बाउंड्री के बाहर 5 फिल्डर रख सकते हैं पावर प्ले के बाद, बट एक्चुअली में अगर आप शेड्यूल टाइम से लेट कर स्टार्ट करते हो 20th ओवर, तो आपको एक फिल्डर सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। दैट मीन्स के आप सर्कल के बाद सिर्फ 4 फिल्डर रख सकते हो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रूल है, क्योंकि कोई टीम अफोर्ड नहीं कर सकती डेथ ओवर में एक एक्स्ट्रा फिल्डर सर्कल के, क्योंकि काफी ज्यादा पावर हिटिंग होती है डेथ ओवर के टाइम पे। तो सारी टीमें चाहती है उनके मैक्सिमम जितने अलाउटेड प्लेयर हैं वो सर्कल बाउंड्री के बाहर रहे, तो कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि उनका एक फील्डर एक्स्ट्रा अंदर रहे और उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े फील्डिंग में, और जिसके कारण ज्यादा रन जा सकते हैं, वो काफी कॉस्टिंग हो सकता है, उसके कारण वो मैच भी आ सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग रूल है, मेरे को तो पर्सनली काफी अच्छा लगा। और दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो आईपीएल के रिगार्डिंग है। लाइक अभी तक हम सबको पता है कि जो आईपीएल ऑप्शन थी वो 12th और 13th फेब को होने वाली थी, लेकिन एक्चुअली में जो सीवीसी कैपिटल का जो बीसीसीआई के जो प्रोटोकॉल्स है उसके साथ जो इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग अब भी उनका इशू सॉल्व नहीं हुआ है, जिसके रिगार्डिंग जो आईपीएल जो डेट थी 12-13 फरवरी वो 10 से 12 दिन के लिए आगे पोस्टपोन होने वाली है। मतलब हुई नहीं है एक्चुअली में, ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट जरूर से वो 25 फरवरी या 26 फरवरी के आसपास शिफ्ट होने वाली है। तो उससे एक और बात सामने आती है, उससे एक और बात क्या सामने आती है कि जो अभी तक जो रिटेंशन है, मतलब एक्चुअली में जो ड्राफ्ट पिक्स है, जो हम सबको पता है जो आईपीएल में 2 नई टीमें आई हैं, तो उनको 3 स्पेशल पिक दिए जा रहे हैं। तो जो 3 स्पेशल की जो लास्ट डेट थी वो 25 दिसंबर थी पहले, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि ये सब मतलब सीवीसी कैपिटल का इशू जो बीसीसीआई प्रोटोकॉल्स के साथ चल रहा है वो सॉल्व नहीं हुआ है एक्चुअली में, तो उसके कारण उनको एक्सटेंडेड टाइम दिया गया था कि 10-12 जनवरी तक जाके वो अपना जो भी इशू है वो सॉल्व करेंगे, 10-12 जनवरी के आसपास हमको ड्राफ्ट पिक्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ड्राफ्ट पिक्स अभी तक पिक नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ड्राफ्ट पिक्स भी आगे शिफ्ट होने वाले हैं। एक्चुअली में जो ड्राफ्ट पिक 10 या 12 जनवरी तक होने थे वो अब 20 या 25 जनवरी के आसपास तक चले गए हैं, तो उधर ऑक्शन भी 10-12 दिन शिफ्ट हो गया है, इधर जो ड्राफ्ट पिक्स हमको 10 या 12 जनवरी तक देखने को मिलते थे वो भी 20 से 25 जनवरी के बीच में देखने को मिलेंगे। तो ये काफी बड़ा चेंजेस आया है। जो हमारी तीसरी बड़ी अपडेट है वो है विराट को लेके। एक्चुअली में विराट कोहली, आप हम सबको पता है कि एक्चुअली में दूसरे टेस्ट मैच विराट कोहली बैक स्पॉम की वजह से नहीं खेले थे। तो अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था राहुल द्रविड़ जी की, तो राहुल द्रविड़ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और उन्होंने एक अच्छी सी हमको हैप्पी करने वाली खबर ये दी है हमको कि एक्चुअली में विराट कोहली काफी फिट महसूस कर रहे हैं और मोस्टली वो अवेलेबल होंगे तीसरे मैच के लिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मतलब काफी अच्छी खबर है इंडियंस फैंस के लिए, बिकॉज विराट का बैट्समैन को इंडिया उतना मिस करे या ना करे, लेकिन विराट का कैप्टन की इंडिया को काफी जरूरत है, क्योंकि ये सीरीज बिल्कुल हिस्टोरिकल सीरीज है। हम कभी नहीं जीते हैं साउथ अफ्रीका में, तो ये हमारा पहला चांस है साउथ अफ्रीका में जीतने का, तो ये चांस हम कभी मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम अगर हम जब साउथ अफ्रीका जाएंगे ना, हमें इससे बेहतर ही साउथ अफ्रीका की टीम देखने को मिलेगी। जो वीक है साउथ अफ्रीका टीम है ना, वो आज की टीम है, 3 साल पहले वाली भी इससे स्ट्रॉन्ग थी, 3 साल आगे आने वाली भी स्ट्रॉन्ग होगी, यही सबसे वीक टीम थी। तो एक्चुअली में ये हमारा गोल्डन चांस है। हमने सेंचुरियन में जो उनका वो किला था वो ध्वस्त किया था, लेकिन जोहानिसबर्ग जो हमारा किला था वो उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो सीरीज भी काफी इंटरेस्टिंग मोड पे आके खड़ी हुई है, हम 1-1 से बराबर है। तो विराट का तीसरे मैच में आना एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो वुमेन्स क्रिकेट से रिलेटेड है, क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है नेक्स्ट मंथ फरवरी में, जो कि 2021 में होने वाला था, लेकिन वो कोविड के कारण पोस्टपोन कर दिया गया था 2022 के लिए। सो उसके लिए जो हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है। हमारी मिताली राज, द लेजेंड मिताली राज, इंडिया को कैप्टन करेंगी 4th टाइम, जो कि एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, आज तक किसी ने किसी भी मतलब फॉर्मेट में
लाइक वनडे और टेस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर तो वर्ल्ड कप एक्चुअली में होता ही नहीं है, वनडे के अंदर ना मेंस में ना वुमेन्स में किसी ने भी किसी भी टीम को चार बार कैप्टन नहीं किया है। तो मिताली राज के लिए काफी हिस्टोरिक मूवमेंट है, उनके नाम कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो एक और रिकॉर्ड उनके नाम ऐड हो जाता है अभी। तो मैं टीम बता देता हूँ सबसे पहले आपको, जो हमारी कैप्टन है मिताली राज, वाइस कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, सैफ अली वर्मा, पूनम रावत, यस्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, स्नेहा राणा, जूलन गोस्वामी, पूजा वस्त्राकर, मेघना सिंह, रेणुका सिंह ठाकुर, तानिया भाटिया विकेटकीपर बैट्समैन, राजेश्वरी गायकवाड़ एंड पूनम यादव। तो ये हमारा 15 मेंबर स्क्वाड है। एक्चुअली में हमारी ना हिस्ट्री बन चुकी है वर्ल्ड कप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की, लाइक हम ऐसे इंक्लूजन कर देते हैं जो कि शॉकिंग हो, कई बार ऐसे एक्सक्लूजन कर देते हैं जो कि वापस से शॉकिंग हो। तो जो हमारी फ्यूचर मतलब फ्यूचर स्टार है, काफी प्रॉमिसिंग स्टार है जेमेमा रोड्रिगेज, वो पता नहीं मेरे को, तो मेरे को हम सबको पता है कि उनके जो लास्ट 6 मंथ्स गए वो बैटिंग में उतने अच्छे नहीं गए, एवरेज भी करीबन 15-16 के आसपास आ रखा है, लेकिन काफी डाउन रही है, मतलब उनका परफॉर्मेंस भी उतना बेहतर नहीं है, लेकिन तब भी यार फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो। मिताली के बाद अगर नंबर टीम के लिए अगर सबसे कोई कैपेबल कैंडिडेट लगता है फ्यूचर के लिए तो वो ही है, जेमेमा ही है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और हमारी एक काफी एक्सपीरियंस जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थी शिखा पांडे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा, वो भी काफी शॉकिंग है। और उसके अलावा पूनम रावत, मतलब उनकी तो अगर उनके लास्ट के 5-6 महीने देखे काफी अच्छा परफॉर्मेंस है ओडीआई क्रिकेट में, 76 की एवरेज है, और उन्होंने तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पोस्ट भी किया था, काफी हार्ट ब्रेकिंग था, लाइक उनका मैंने पोस्ट पढ़ा था, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, मतलब उन्होंने काफी दुख हुआ उनको तो उनका नाम नहीं है। एक्चुअली में अगर एक तरफ से अगर सिलेक्टरों की नजर देखी जाए तो एक तरफ से वो सोच रहे हैं कि जो जेमेमा का जो परफॉर्मेंस है डाउन है इसीलिए हमने उनको बाहर किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने वो लॉजिक नहीं लगाया कि उधर पूनम रावत का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है तो उनको इंक्लूड कर लें, तो पूनम रावत को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, तो ये काफी हार्ड ब्रेकिंग था। तो ये 15 मेंबर स्क्वाड है वुमेन्स क्रिकेट टीम का, तो यार गुड लक टू देम यार, पहले उन्हें 5 मैचों की न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेलनी है, उसके बाद उन्हें वर्ल्ड कप खेलना है, तो यार वेरी वेल विशेस फॉर वुमेन्स इंडियन टीम फॉर वर्ल्ड कप। लास्ट टाइम मेरे को अब भी याद है 2017 में जो इंग्लैंड के साथ हमने फाइनल खेला था, हम आखिरी ओवर में जाके आ रहे थे, काफी हार्ट ब्रेकिंग था, उस टाइम में भी दीप्ति शर्मा स्ट्राइक पे थी, 8 विकेट गिर चुके थे इंडिया के 2017 में जो फाइनल हुआ था, काफी मतलब इमोशनल मूवमेंट था, जो इंडिया ने वुमेन्स हमारी जो मेन्स टीम ने जो फाइटिंग दिखाई है लास्ट 2 वर्ल्ड कप में उससे बहुत ज्यादा आगे निकलकर ऑस्ट्रेलिया को हराकर उन्होंने 2017 में जो फाइट दिखाई थी। तो वही उम्मीद है हमें वुमेन क्रिकेट से, जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम बहुत अच्छा खेला था, फाइनल तक गए थे, रनर अप बन के आए थे, तो उससे भी एक कदम आगे जाके इस टाइम विनर बन के आए, तो गुड लक टू इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। और जो हमारा 5वां अपडेट का पॉइंट है वो एशेज को लेकर है। एक्चुअली मैं कितना बहुत ना ऑस्ट्रेलिया जीता ना इंग्लैंड जीता, जीता कौन, टेस्ट क्रिकेट जीता, इतना अच्छा मैच हुआ आज, सिडनी टेस्ट मैच का लास्ट दिन था और काफी इंटरेस्टिंग दिन था, मतलब एक्चुअली में हमने उस टाइप के रोमांच वाले मैच तो देखे हैं कि 6 बॉल में 13 रन चाहिए, 2 ओवर में 25 रन चाहिए, 4 विकेट बचे हैं, एमएसडी स्ट्राइक पे, एवीडी स्ट्राइक पे, इस टाइप के हमने काफी मैचेस देखे हैं, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट का जो रोमांच होता है ना वो काफी अलग होता है। लाइक आज कितना अच्छा मैच था, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ एशेज में हुआ क्या। पहले साउथ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 416 बनाए और डिक्लेयर कर दिया, सेकंड इनिंग में उन्होंने 265 बनाए, 6 विकेट पर डिक्लेयर कर दिया, उसके बीच में 294 बनाए इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग में, जिसमें जेमी वेरेस्टो और बेन स्टोक्स की काफी अच्छी पार्टनरशिप हुई, जिसमें वेरेस्टो का एक हिस्टोरिकल सेंचुरी आया, और दोनों इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने सेंचुरी बनाई, जो कि तीसरी बार हुआ है ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर किसी भी बैट्समैन ने दोनों इनिंग में सेंचुरीज लगाई, और लास्ट डे काफी इंटरेस्टिंग था, एक 4 दिन तो ऐसा ही था, कभी बारिश, मतलब मैच में कॉन्टेस्ट में तो इंग्लैंड कभी नहीं आया, लेकिन जो आज का कॉन्टेस्ट था, जो एक्चुअली में जो ड्रॉ और हार के बीच में या ऑस्ट्रेलिया की जीत के बीच में जो कॉन्टेस्ट था, आज का कॉन्टेस्ट काफी अच्छा था, पूरे मैच को अगर देखते हुए अगर बात की जाए तो। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया को 10 के 10 विकेट लेने थे और उनको 10 विकेट नहीं देने थे इंग्लैंड को मैच बचाने के लिए, क्योंकि 365 रन बचे थे चेंज करने के लिए, वो तो एक दिन में होते नहीं एक्चुअली में 80-90 ओवर में, तो एक्चुअली में जो मैच का रिजल्ट था वो तो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में था, ऑस्ट्रेलिया हार तो सकता ही नहीं था, बस सिर्फ इंग्लैंड को मैच बचाना था, तो इंग्लैंड की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई। आगे जैसे उनके जो आसिम अबीद हैं वो तो वॉकिंग विकेट बन गए हैं, डेविड मलान वो भी वॉकिंग विकेट बन गए, और सब धीमे धीमे आउट होते गए, एंड में क्या हुआ स्ट्रोक्स और बटलर, स्ट्रोक और बटलर वेरेस्टो की काफी अच्छी पार्टनरशिप हुई, उसके बाद वही नेथन लायन आते हैं और स्ट्रोक्स को ले जाते हैं, उसके बाद बटलर भी थोड़ा सा परसिस्टेंस दिखाते हैं पर थोड़ी देर बटलर भी आउट हो जाते हैं, एंड में मैच इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 2.1 ओवर्स में 2 विकेट चाहिए थे, तो उसी टाइम पे लास्ट बॉल पे स्टोन स्मिथ विकेट लेते हैं और 9 विकेट हो जाते हैं इंग्लैंड के, और फिर ऑस्ट्रेलिया को 2 ओवर में जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए होता है, और बैटिंग कर रहे होते दोनों बॉलर जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन दोनों को बिल्कुल भी बैटिंग नहीं आती, मतलब बहुत कम बैटिंग आती है अपन बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने ट्रिक मिस किया और उन्हें मिचेल स्टार्क पैट कमिंस में से किसी एक को लगाना चाहिए था, लेकिन
उन्होंने वो ये नेथन लायन और स्टुअर्ट स्मिथ जो कि पार्ट टाइम बॉल करते हैं उनसे वो बॉलिंग कराना कंटिन्यू रखा, तो उसका एंड में रिजल्ट आया कि 12 बॉल दोनों सर्वाइव कर जाते हैं और टेस्ट मैच ड्रॉ होता है। मतलब कितना अच्छा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच, मतलब वो ये ना कि वो होता है ना जिस तरह से नेल बेटर बोलते हैं T20 मैच, उसी टाइप का ही टेस्ट मैच देखने को मिला। एट द एंड में उतना अच्छा कॉन्टेस्ट हो गया कि एक एक बॉल पर डिसाइड हो रहा था कि सारे फील्डर 11 के 11 फील्डर एक बॉलर कीपर को छोड़ के 9 के 9 फील्डर सिर्फ पिच के आसपास खड़े थे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था देखने में कि टेस्ट क्रिकेट एट बेस्ट होता है वो बिल्कुल उस टाइप उसका प्रॉपर एग्जांपल था। तो एंड में ऑस्ट्रेलिया मैच तो नहीं जीत पाता है, मैच ड्रॉ हो जाता है, बट इंग्लैंड के लिए वही है कि 5 मैचों की सीरीज में वो जीत तो एक भी नहीं पाए 4 में से, तो ये बढ़िया हुआ कि एटलीस्ट ड्रॉ तो करा पाए। 5-0 नहीं होंगे यहाँ, सिर्फ 4-0 या 3-1 या 3-0 का पॉसिबिलिटी बनता है, तो जो 5-0 देखने में बहुत गंदा लगता वो नहीं होगा। तो वो ये कि जो 5 अपडेट थी यार, बड़ी बड़ी अपडेट जो क्रिकेट रिलेटेड थी तो जो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो थर्ड टेस्ट मैच है उसका प्रीव्यू आपको कल शाम तक या परसों मॉर्निंग को मैं जरूर देखने को मिल जाएगा, और कल काफ़ी यार इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो जॉन्स वेनी है जो ट्विटर सेलिब्रिटी है वो हमारे चैनल पर कनालने वाले हैं लाइव, सो आप प्लीज़ जुड़िएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।